गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ्स चैप्टर 13। क्या नाम है चैप्टर का? वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइडर के अलग अलग हिस्से किस तरह से अलग अलग फॉर्मूले का यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह से डिवाइड करेंगे, अलग अलग ट्रिक है। हम जो सिंपल रीत का यूज करते हैं मल्टीप्लाई में वैसी नहीं है, डिफरेंट तरीके से रीत दी हुई है, वो हमें आज सीखनी है। तो हम आज सीखेंगे, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें 170 नंबर का पेज निकालो, उसमें देखो मणिरत्नम एंड द कैशियर। मणिरत्नम था वो क्या था? कैशियर था। मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ द किंग जयन। जयन नाम का किंग था, उसका कैशियर कौन था? मणिरत्नम। हिज जॉब इज टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल पीपल हु वर्क फ्रॉम द किंग। किंग के जो महल था उसमें जो काम करते थे सभी पीपल, उसका जो सैलरी करना था वो काम किसका था? मणिरत्नम का। वो अकाउंट कर सब भी संभालता था, जो जो काम करते थे पीपल वो सभी को सैलरी देनी थी, वो कौन करता था? मणिरत्नम कैशियर था। दिस चैट सो हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे। तो यहाँ पे नीचे सैलरी दी हुई है, वन डे की किसकी सैलरी कितनी है वो हमें चार्ट में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मिनिस्टर, तो उसकी वन डे की सैलरी क्या है? 195। फिर व्हाट्स साइडर वो, तो उसकी सैलरी कितनी है? एक दिन की 76। कुक जो रसोई बनाता था उसकी एक दिन की सैलरी कितनी है? 65 रुपीज। तो यहाँ हमें अलग अलग वन वन डे की सैलरी दी है सभी की, जो काम करते थे उनकी। तो नीचे देखो, मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ, एक महीने की जनवरी जो मंथ था उसकी सैलरी, कुक की जो ये काम कर रहा है उसकी सैलरी एक महीने की कितनी होती है वो मणिरत्नम गिन रहा था। तो कौन सी रीत का यूज कर रहा है वो हमें देखना है। नीचे आपको दिया हुआ एक रीत बता के, और वो किस तरह से की है वो समझना है। तो यहाँ देखो उसकी टोटल सैलरी कितनी है? 65। तो उसको डिवाइड करो, 60+5 करो तो 65 होता है कि नहीं? और एक पूरे जनवरी महीने के कितने दिन होते हैं? 31। कितने दिन होते हैं? 31। तो उसको भी अलग करो, 30+1 करो तो कितना होगा? 30+1 करोगे तो कितना आएगा? 31। अब क्या करना है देखो, 60 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से लिखेंगे 60 × 30, फिर 30 × 5 × 30 लिखो या 30 × 5 लिखो बराबर, फिर 60 × 1। अब 60 को मैंने क्या किया? 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बराबर। सब जो पहले मैंने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों डिजिट से, पहले 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 63 का कितना होता है? 18। और कितनी जीरो है? 1 2, तो 4 2 0 लगा दो। 53 का कितना होता है? 50। तो वो 1 0 है तो पीछे 1 0 लगा दो। 6 6 1 6 और 0 है तो 1 और 5 1 5। ओके, अब क्या करना है? ये जो चार आंसर आए चारों उसको क्या करो? एडिशन करो। क्या करो? एडिशन। तो देखो यहाँ मैं एडिशन करती हूँ, तो पहले क्या है, आप स्लीपिंग पे भी कर सकते हो, स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। मैं यहाँ स्टैंडिंग में करके दिखाती हूँ। 1000
फाइव। अब इसका एडिशन करो तो फाइव सिक्स फाइव का इलेवन, सॉरी सिक्स प्लस फाइव इलेवन, वन नीचे वन ऊपर, एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस वन टेन, जीरो वन ऊपर, वन वन प्लस टू, तो 2015 मल्टीप्लाई आया, यानी कि ये जो कुक है उसकी सैलरी एक महीने की जनवरी मंथ की सैलरी कितनी होगी 2015 रुपीस होगी, बराबर। फिर आगे देखो, मणिरत्नम डॉटर्स बेला, मणिरत्नम की डॉटर है बेला, हैज लर्न अदर मेथड टू मल्टीप्लाई, उसकी डॉटर है उसको दूसरी मेथड सिखाती है, उसको क्या सिखाती है दूसरी मेथड मल्टीप्लाई करने की, हमने ये मेथड से किए और दूसरी मेथड सिखाती है। सी रॉट लाइक दिस एंड सोल्ड इट टू अ भानू, उसका ब्रदर है भानू, वो उसको भीने में मदद करता है। आका हाउ डिड यू डू दिस, किस तरह से करना है मुझे सिखाओ, उसका जो ब्रदर है वो उसको बोल रहा है उसकी सिस्टर को कि मुझे ये सिखाओ किस तरह से करना है, तो हम दूसरी डिश सीखते हैं। देखो यही जो 65 है उसको 31 से जनवरी मंथ की इनकम मिलती है दूसरी डिश से, तो किस तरह से देखो यहाँ पे तो 65 × 31 इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हो, पर इसमें भी क्या है अलग डिश है, हम डायरेक्ट जीरो रख के 5 × 15 1 ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से करते हैं, पर वो नहीं करना है। अब देखो 31 है तो उसको पहले अलग करो, 30 + 1 होगा यस या नो, यस। अब क्या करना है, जो ऊपर 65 है उसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 65 को दोनों नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम लिखेंगे नीचे 65 × 1 के साथ पहले करो मल्टीप्लाई, बराबर। फिर 65 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो नीचे लिखो 230। अब दोनों का जो आंसर करना है वो यहाँ लिखना है, 65 × 1 किया तो वो क्या आएगा, 65 होगा यस या नो, यस। अब देखो प्लस करते हैं हम लोग, प्लस की निशानी, अब 65 × 3 और पीछे जीरो है तो पहले जीरो रख दो, एक जीरो है तो वो रख दो, अब 65 × 3 तो वो इजीली आप गिन सकोगे तो साइड में गिन लो, 65 × 3 क्या होगा, 5 × 3 15, 1 ऊपर 3 18, 195, तो यहाँ से लिखो 195, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, जीरो रख दिया यानी 10 का नंबर 10 के नीचे, 100 का 100, 1000 का 1000 के नीचे हो गया। फिर से समझाती हूँ मैंने क्या किया, पहले ये जो नीचे वाला डिजिट था उसको अलग कर दिया, अब 65 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 65 × 1 के साथ पहले किया मल्टीप्लाई, 65 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 65 आएगा, अब 30 के साथ करो तो उसका जीरो है तो वो पहले रख दो और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किया वो आंसर आ गया। अब दोनों का सूत्र क्या करना है, एडिशन, तो 5 का 5 6 + 5 11, 1 ऊपर जाएगा कुछ नहीं यानी 0, 1 × 9 = 10, 1 ऊपर 1 × 2, तो आ गए इसके जितना, दोनों हो गए से यस हो गए, दोनों क्या हो गए आंसर सेम हो गए। तो ये क्या थी दूसरी डी, क्या थी बेला की मेथड थी, ये क्या थी बेला की मेथड, और ये मणिरत्नम इस तरह से गिन रहा था। अब आगे देखो, नाउ बानू ट्राई टू फाइंड द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, अब जो उसका भाई था वो ट्राई कर रहा था मिनिस्टर की सैलरी ढूंढने में, क्या कर रहा था, मिनिस्टर की सैलरी थी वो पूरे मंथ की इस तरह से ढूंढ रहा था, ही वांटेड टू मल्टीप्लाई 195
वन, तो इसी तरह से वो कितना है, जो सेकंड नंबर का सम है वन मिनिस्टर की सैलरी वो भी इस तरह से कितना है देखो। तो पहले हम लिखेंगे 195 × 31। जैसे मैंने बताया वैसे पहले इसको अलग कर दो, तो क्या होगा 30 + 1 हो जाएगा। अब 195 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 195 × 1, ये साइड में लिखना जरूरी है, वो लिखना ही है। 195 × 1 करो तो कितना आएगा 195। अब 195 को 30 के साथ करो तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है, तो पहले 0 रख दो। अब 195 × 3 करो, यहाँ पे साइड में डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते, नहीं आता है तो साइड में करो। 5 × 3 = 21, 20 × 27 और 28 ऊपर जाएगा, 3 + 3 और 2 ऐड करो तो 5 होगा, यानी कितना आएगा 5 8 5 0। 0 रख दिया, प्लस करना है, मैंने समझाया था कि दोनों को क्या करना है प्लस, तो 5 का 5 9, 5 का क्या होगा 9 + 5 करो तो 4, तो 9 + 5 करो तो 14, 14 का 4 यहाँ 1 पर 1 1 2 में 8 ऐड करो यानी 10 होगा, 10 का 0 1 ऊपर कुछ नहीं यानी 0 रख दो, 5 + 1 करो यानी 6। तो क्या आंसर आया उसकी सैलरी, मिनिस्टर की सैलरी एक महीने की क्या होगी 6045 रुपीज मिनिस्टर की 1 month की सैलरी यानी जनवरी महीना की सैलरी कितनी होगी। अब नीचे देखो प्रैक्टिस टाइम, दो सम दिए हुए हैं, उसी तरह से आपको दोनों सम मल्टीप्लाई करने हैं, तो मैं उसमें से एक सिखाती हूँ आपको और नीचे सेकंड नंबर में से एक आपको समझाती हूँ, बाकी के आपको HW में कितने हैं होमवर्क में, बाकी के जो सम है वो आपको नोटबुक में खुद प्रैक्टिस करनी है, बराबर समझो। दो सम, फर्स्ट नंबर में से एक सम सिखाऊंगी और सेकंड नंबर में से क्वेश्चन नंबर 2 में से भी एक सम सिखाऊंगी और फिर बाकी के जो सम है वो आपको नोटबुक में खुद गिनने हैं। तो देखो हम पहला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में से पहला सम देखते हैं ए वाला, तो 32 × 46, तो इसमें भी वैसे ही करना है, क्या करना है दोनों को क्या करो, नीचे वाले जो रकम है उसको अलग कर देना है, तो 46 है तो 40 + 6 होगा, जैसे 31 था तो 30 + 1 किया, वैसे 46 है तो 40 + 6 होगा बराबर। अब देखो 32 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 32 × 6 करो पहले बराबर, फिर 32 × 40, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 32 × 6 तो नहीं आता है तो साइड में करो, 32 × 6, 6 × 12 = 1 + 6 = 18, 18 + 1 = 19, तो कितना आया 192। अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस रख दो, 0 रख दो पहले बराबर, अब इस 32 × 4 करो तो यहाँ पे करो साइड में 32 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, कितना होगा 12। तो अब लिखो कितना है आंसर 128। अब इसको क्या करो, ऐड करो, तो कितना होता है 2 का 2, 9 + 8 करो यानी 17, 1 ऊपर 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 और 1 का 1 यानी कितना आंसर आया 1470।
फिर आगे देखो, नीचे वाला सिखाती हूँ, सेकंड नंबर में से, क्वेश्चन नंबर टू में से कोई एक सब सिखाती हूँ। तो देखो बी वाला हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में से बी वाला सिखाती हूँ। तो 188 × 91 ये क्वेश्चन रकम दी हुई है, तो उसके गिनते हैं। तो पहले लिख दो 188 × 91। अब 91 आया तो उसको डिवाइड करो, अभी सिखाया था वैसे 90 + 1 हो जाएगा, अलग करोगे तो वैसे होगा। अब पहले किससे 181 को 1 से करो, पहले पीछे वाली रकम को पहले करना है, फिर 180 को 90 से करो मल्टीप्लाई। अब 180 + 180 होगा 188 होगा, फिर अब 188 है उसको 9 से करना है, 0 रखने में 0 है, एक 0 यानी 1 रखना है। अब 188 × 9 करो, नहीं आता है तो साइड में करो, 1 9 का कितना होगा 72, 7 ऊपर, 1 9 का 72 और 7 ऊपर है तो ऐड करो 72 में 7, तो 79 होगा, तो 9 नीचे और 7 ऊपर, 9 × 9 और 7 ऐड करो यानी कितना होगा 60, कितना होगा 60। रकम के नीचे रकम लिखनी है, गलती ना हो। 8 × 8 = 8 × 10 = 9 + 1 = 10 = 11 ऊपर 6 + 1 = 7 का 1, तो उसकी भी आंसर आएगा 17,108। कितना आंसर आएगा 17,108। इस तरह से जो बाकी के सब है आपकी बुक में, वो आपको नोटबुक में अच्छी तरह होमवर्क में HW में लिखने हैं। थैंक यू।